कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी के दौरान संपूर्ण विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित महाविद्यालय बंद थे, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उससे संबंधित महाविश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बांदा में छात्र छात्राओं का पठन पाठन कोरोना काल में बाधित रहा, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने ओएमआर परीक्षा पैटर्न पर परीक्षाएं संपन्न कराई, जिसमें छात्र छात्राओं का कहना है कि पेपर के बहुत कम समय पहले ओएमआर पैटर्न की जानकारी दी गई, जिसके बाद परीक्षा फल आने पर बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं परीक्षा फल से असंतुष्ट हैं, जिससे छात्र छात्राओं की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा फल को निरस्त कर पुनः लिखित परीक्षाएं कराई जाए, जिससे वर्तमान परीक्षा फल में त्रुटि को लेकर असंतोष कम हो सके एवं परीक्षा फल की पारदर्शिता सामने आ सके। एक क्या है पूरा ये? आज हमने अशोक लाट तिराहे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के खिलाफ उनके बुद्धि शुद्धि को लेकर हम पंडित जे आर महाविद्यालय के छात्रों के साथ हवन किए, जिसका सबसे मुख्य रूप से ये कारण है कि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय निद्रा में लीन है और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चार दिन पहले बीकॉम के छात्रों के साथ परीक्षा फल में बहुत बड़ी त्रुटि हुई थी, जिससे बहुत से छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद हम लोगों ने उस विषय पर मांग उठाई, जिसके बाद उस पर संशोधन हुआ। इसी क्रम में बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों छात्राओं का परीक्षा फल जारी किए गए, जिसमें अधिकांश लगभग, क्योंकि अभी पूरा सर्वे हमारे पास है नहीं, लेकिन अधिकांश 50% छात्र अनुत्तीर्ण है, छात्र छात्राएं, जिसका ये कारण है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने लापरवाही की। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ओएमआर प्रणाली से परीक्षाएं हुई थी और जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हुई थी उनको संपन्न नहीं कराए गए, लेकिन जो परीक्षा फल में प्रयोगात्मक परीक्षाओं के नंबर आ रहे हैं उसमें काफ़ी छात्र छात्राएँ अनुत्तीर्ण हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। हम छात्र इसकी पारदर्शिता से संतुष्ट नहीं, हम सभी छात्र छात्राओं की मांग है कि लिखित परीक्षा प्रणाली को पुनः अपनाकर पेपर कराया जाए, जिससे सभी छात्र छात्राएं पारदर्शिता से संतुष्ट हो सके। अन्यथा की स्थिति में यहाँ के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अगर हमारी मांगों को नहीं मानता, क्योंकि हम सभी छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पे लगा, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती तो बांदा जनपद के माननीय एवं यहाँ का जिला प्रशासन एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर हम आगे के आंदोलन के लिए बाध्य होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी पटेल।